आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर प्लानर। मतलब इनमें से कौन सा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर कौन सा होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब हमारे पास है ए निकल DMG2, तो निकल पे अगर चार्ज निकलता है एक्स, DMG पे हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स DMG पे चार्ज होता है माइनस 1 और 2 है, तो -2 = 0, तो एक्स आ गया +2 में। अब निकल की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3d8 4s2, तो जब निकल +2 में जाएगा तो 3d8 हो जाएगी और DMG यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक डी ऑर्बिटल और एक A4 और ये 4p3, ठीक है। तो जब DMG है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, दो लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट करेगा, एक डी में एक एस में, एक DMG ने यहाँ किया और एक ई में और एक पी में, ये दूसरे DMG ने किया, तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लानर, ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर है NiCN4। अब NiCN4 2- की बात करें तो इस पे चार्ज निकालते निकल पे एक्स, साइनाइड पे चार्ज -1, तो -4 = -2, तो एक्स आगे +2 में, निकल +2 में है तो निकल की होगी कन्फिगरेशन 3d8 आउटर मोस्ट, वहाँ पे जब आउटर मोस्ट हमारे पास की 3d8 4s2 होती थी तो +2 में जाएगा था 3d8, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सेम इसकी तरह बिल्कुल इसकी भी अरेंजमेंट होगी और ये भी DSP2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, तो स्क्वायर प्लानर, ठीक है। फिर NiCN4 4-, अब है NiCN4 4-, तो यहाँ निकल पे चार्ज निकाले तो एक्स, साइनाइड पे चार्ज -4 क्योंकि 4 है, -4 हो जाएगा और 1 पे होता -1, सॉरी वो 1 पे -1 और 4 है तो -4 = -4 कॉम्प्लेक्स पे, तो एक्स आ गया 0 में, ठीक है, तो निकल 0 में है तो 3d8 4s2 इसकी कॉन्फिगरेशन, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, 4s2 सारे 3d में चले जाएंगे तो 3d इसकी जगह 3d10 4s0 और 4p0, इसका 3d जो है फुली फील्ड है तो वहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो होंगे 4s और 4p में, 4s में 4p में यहाँ डोनेट हुआ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई, sp3 आई तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये तो रॉन्ग है। फिर NiCO4 की बात करें, NiCO4 की, अब यहाँ पे देखिए तो निकल हमारे पास न्यूट्रल है क्योंकि कार्बनिक कोई चार्ज नहीं होता, तो निकल की जो कंफिगरेशन है वो 3d8 4s2, सिमिलरली कार्बनिक भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, तो बिल्कुल इसी की तरह इसके भी 3d10 और 4s0, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास, ये दोनों थे। फिर NiCl4 2-, देखे तो NiCl4 2-, तो इस पे चार्ज निकल तो x, क्लोरीन पे चार्ज -1, तो 4 - 4 = -2, तो x आ गया +2 में, निकल +2 में आता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8 होगी, लेकिन यहाँ क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाता, और पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे तो सारे डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, कोई भी वैकेंट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3d8 और 4s वैकेंट इसका, 4p वैकेंट, और 4s 4p वैकेंट है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 s में डोनेट किया, 3 पी में डोनेट करेगा sp3 और टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिर है K2Cr2O7, देखिए तो K2Cr2O7 ये जब डिसोसिएट होगा तो Cr2O7 2- + 2 के पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे देखें तो सी क्रोमियम पे चार्ज निकालते 2x, ऑक्सीजन पे चार्ज होता -2, 1 पे 7 है तो -14 = -2, तो x आ जाएगा +6। क्रोमियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1, +6 में जाएगा तो 3d0 और 4s0। अब हमारे पास जो है यहाँ तीन, एक क्रोमियम पे तीन तो टर्मिनल होती है, तो इसका देखिए 4s ये 3d वैकेंट है, ये 3d वैकेंट और ये इसका 4s वैकेंट, ठीक है। जब ये हमारे पास जो क्रोमियम होता है इस पे जो है तीन तो टर्मिनल होते हैं, तो तीन टर्मिनल ऑक्सीजन है वो एक लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक दोनों क्रोमियम पे ब्रिजिंग होती है, वो दो, ये इसको दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक पेयर यहाँ डोनेट कर रहा है वो एक क्रोमियम के लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल, तो ब्रिजिंग वाला चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होता है, सॉरी चार इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, तो ये भी नहीं हमारे पास। फिर है K2CrO4,
फिर देखें K2CrO4 ए डिसोसिएट होगा तो 2K पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें तो Cr की x ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस टू चार है तो -8 इज इक्वल टू -2। एक्स आ गया +6 में तो क्रोमियम +6 में होता है जब 3d0 और 4 है 0 और चार अगर देखिए ऑक्सीजन चार है तो चार लोन पे डोनेट करेंगे तो ये भी हमारे पास SD3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ऊपर वाले की तरफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है सॉरी ये भी हमारे पास रॉन्ग है। फिर हम चले तो KMnO4 पे अब हम FG KMnO4 KMnO4 में देखे तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव। अब Mn पे चार्ज निकलता है x ऑक्सीजन पे चार्ज -2 तो -8 इज इक्वल टू -1 तो x आ गया +7 में Mn +7 में गया। Mn पे जो चार्ज होता था वो कितना होता है हमारे पास Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या थी आउटमोस्ट 3d5 4s2 +7 में गया तो 3d0 4s0 और ऑक्सीजन देखे चार ऑक्सीजन है चार लोन पे डोनेटर है इसकी भी 3d0 4s0 है तो इसकी भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही SD3 और टेट्राहेड्रल हो जाएगी ठीक है ऊपर वाले की तरह ये भी टेट्राहेड्रल है तो ये भी नहीं होगा। फिर है K2MnO4 अब H आ गया K2MnO4 तो ये जब डिसोसिएट होगा तो 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव तो यहाँ Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई X ठीक है ऑक्सीजन दो लोन पे वो हमारे पास चार्ज -2 होता है तो -8 इज इक्वल टू -2 चार थे तो X आ गया हमारे पास +6 तो जब Mn +6 में आएगा तो होगा 3d1 4s0 तो इसका 4s वैकेंट और ये 3d1 तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है 4s अब इसके 4s भी वैकेंट और d भी तो एक यहाँ पे गया एक यहाँ पे गया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो ये भी हमारे पास जो है SD3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो ये भी नहीं होगा। अब है CrO2Cl2 ये देखें तो हमारे पास आई है CrO2Cl2 यहाँ पे देखें तो दोनों ही हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ऑक्सीजन भी एक पेयर डोनेट करता है तो चार हो गए हमारे पास यहाँ इसका तो यहाँ पे देखें तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 तो 2 पे -4 इज इक्वल टू क्लोरीन पे -1 2 पे -2 इज इक्वल टू 0 तो एक्स आ गया +6 में। अब जब क्रोमियम +6 में है तो इसकी कॉन्फिगरेशन हमने देख ली थी 3d0 4s0 जाती है आउटमोस्ट ठीक है तो ये देखिए तो ऑक्सीजन भी तो यहाँ से देखिए चार 3d0 4s0 और ये 3d0 जब अपने ऑक्सीजन एक किलो ऑक्सीजन ने यहाँ लोन पे डोनेट किया एक ऑक्सीजन ने यहाँ किया क्लोरीन ने यहाँ और क्लोरीन ने यहाँ ये हो गया SD3 और ये भी टेट्राहेड्रल हमारे पास ये भी टेट्राहेड्रल है तो ये भी नहीं होगा तो जो इसके आंसर करेक्ट होंगे वो होंगे हमारे पास 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।